हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा नौवीं में अपना चौथा जो कार्य है कर्ण का जीवन दर्शन उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कर्ण के कुंती पुत्र कर्ण के पूरे जीवन की बात बताई गई है और वो पांडवों में श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी है। तो श्री कृष्ण जो है वो कर्ण को युद्ध भूमि में पांडवों को साथ देने के लिए उसको कहने मनाने के लिए जाते हैं और उसे कई तरह के प्रलोभन भी देते हैं। फिर भी जो कर्ण है वो इन सारी बातों के लिए श्री कृष्ण को मना कर देते हैं कि हे केशव, आप मुझे इस सारी वैभव विलास का प्रलोभन ना दे, मुझे ये कुछ मोहित नहीं कर पाएगा और युद्ध भूमि में मैं अपने परम सखा यानी मित्र दुर्योधन का ही साथ दूंगा, तो आप मुझे इसका प्रलोभन ना दे। वो कर्ण को हम दागरी के रूप में भी पहचानते हैं और उनका सारा जो व्यक्तित्व है वो इसमें कर्ण के जीवन दर्शन में बताया गया है। तो ये सुंदर कार्य है जिसकी आप शांति से आप सुने ये इच्छा करती हूँ और हम इनकी शुरुआत करते हैं। और पहले थोड़ा हम जो लेखक है उनका परिचय हम ले लेते हैं। जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह है, जिसका नाम दिनकर भी है। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिपल याना गांव में के एक किसान परिवार में हुआ था और इनका जन्म 1908 में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है और ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी रश्मि रही रेणुका हुंकार रसवती कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के चार अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर मिट्टी की ओर आदि की प्रमुख ग्रंथ रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दूसरी से विपुल है। अब थोड़ा कार्य का हम परिचय जान लेते हैं। वैसे मैंने पता किया है तथ्य जो पाठ्य पुस्तक में है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तुत खंड कार्य में रसिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला यह खंड काव्य है। सारे अंगों सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है। मैंने अभी बताया ना कि श्री कृष्ण जो है उन्हें पांडवों का साथ देने के लिए अलग अलग प्रलोभन देते हैं, तब भी वह अविचलित नहीं होते, यानी कि अपने जो निर्णय है उनमें वो डट कर रहते हैं। और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहते। कृष्ण के कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्य दिया गया है। मैंने बताया ना आपको कि कृष्ण जो है वो पांडवों का साथ देने के लिए कर्ण को मनाने के लिए चाहते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से प्रलोभन भी देते हैं उसको। राजपाट सब वैभव देने के लिए भी उन्हें बात करते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो साथ इनकार कर देते हैं कि वो अपने परम मित्र का ही साथ देगा। तो
आइए चलते हैं, हम काव्य के और आगे बढ़ते हैं और काव्य एक एक पंक्ति वैसे हम समझते हैं। तो आप साथ साथ सुनिए। वैभव विलासी चाहने में अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, कर्तव्य से जलती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। क्या कहते हैं कवि, ये कर्ण अपनी जो इच्छा है वो रोकते हैं। वैभव विलासी मुझे चाह नहीं, यानी धन दौलत की मुझे कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, यानी कि अपनी कोई चिंता मुझे नहीं है, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, यानी कि मेरे हाथों से दान की जो पवित्र निर्मल सरिता है, सरिता यानी नदी, निर्मल पवित्र मेरे हाथों से दान सरिता बहती रहे, यानी कि मैं दूसरों को दान देता रहूं। कर्ण छे ने मित्रों महान दानवीर पण छे, એટલે એના દાનવીર કર્ણ તરીકે પણ ઓળખાય છે। એટલે એવું જ કહે છે કે મારી ઈચ્છા કોઈ વૈભવ વિલાસની નથી, મને મારી કોઈ ચિંતા નથી, પણ મારા હાથોથી દાનની સરિતા નિરંતર વહેતી રહે, કર્તવ્ય સે જતી રહે સદા, નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા। મારા હાથોથી દાન હંમેશા થતો રહે અને निर्धन यानी धन रहित जो है उसे निर्धन कहते हैं, तो उनकी मदद करती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रबुद अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही लुवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। जब मैंने बताया ना कि श्री कृष्ण उसको अलग अलग प्रलोभन देते हैं पांडवों का साथ देने के लिए, लेकिन वो मना करते थे। किस तरह से मना करते हैं, तो ये पंक्ति में बताया गया है कि ये सब कुछ तुच्छ है, यानी अपने गुजराती में नकनूश है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, यानी कि मेरे श्री कृष्ण राज्य राजपाट जो है वो तुच्छ है। पात्र क्या नर कर प्राप्त विभव, नर यानी मनुष्य के पाकर कुछ हासिल नहीं कर सकता, चिंता प्रभु अति अल्प हास, कुछ जाग सीख्य कुछ क्षण विलास। क्या चिंता प्रभु बधु मेळवीने શું થાય છે, તો કે એકદમ ચિંતાથી વ્યક્તિ ભરાઈ જાય છે, બધું રાજપાટ વૈભવ મેળવીને ચિંતા સિવાય બીજું મળતું નથી। અકલ્પ અત્ય અલ્પ હાસ, એની થોડા સમયની સુખ મળે છે, પણ પછી ચિંતા આવે છે। કુછ ચાક ચિક્ય યાની ચમક ધમક, થોડા સમય માટેની ચમક ધમક મળે છે। કુછ ક્ષણ વિલાસ, યાની થોડા ક્ષણ માટે આનંદ મળે છે, વિલાસ માટે આનંદ સુખ, પણ વહ ભી યહી ગવાના। ક્યા કહેતે આગે કે યહી વો સબ કુછ ગવા કે જાના હૈ, ઉપર જબ જાયેંગે તો સાથ મેં કુછ લેકર નહીં જાના હૈ, કુછ સાથ નહીં લે જાના હૈ, યહી પર વો સબ छोड़कर जाना है, कुछ साथ लेकर नहीं जाना है। कर्ण समझते हैं कि साथ लेकर क्या जाएंगे, तो हमारे किए गए कर्म, जो हमने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं ना, वो हम हमारे साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये वैभवी सुख जो है वो हम साथ लेकर नहीं जाते, हम यहीं पर होकर छोड़कर जाते हैं। जो अच्छे कार्य किए हैं, जो हमने पुण्य कार्य किए हैं, वही हम साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं साथ लेकर जा सकते। और दूसरों की मदद करते हैं तो हमें मरने के बाद भी लोग याद करते हैं, इसलिए कर्ण सब कुछ मना कर देते हैं कि मुझे ये वैभव विलास नहीं चाहिए, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, अभी पता नंबर ही चाहिए आप, हमारा जो मनुष्य कंचन भाग न होते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रकम लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। क्या कहते हैं कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं, हमारा जो मनुष्य कंचन का भाग न होते हैं, यानी कि सोना नो चांदी नो भव्य सुखनो संग्रह करता नहीं, सोना नो एक भार पोते रखता नहीं, पाते हैं धन बिखराने को, यानी कि पोते धन બીજાને આપવા માટે, બીજાને મદદરૂપ થવા માટે પોતે ધન સંચય કરે છે અને દાન માં આપી દે છે। લાતીને રતન લૂંટાને કો, રતન માને રત્ન, અને પોતે જે પણ ધન દોલત છે બીજામાં લૂંટાવી દેવા, બીજાને આપવા, બીજાની મદદ કરવા માટે વાપરે છે।
जब से मैं कभी कुछ लेते हैं दुनिया के लिए नाई मेडल का नहीं कोई इच्छा रखता नहीं, दान में लगन का देते हैं यानी कि वो सब कुछ अपना दूसरों की मदद करने के लिए लुटा देते हैं। प्रसादों के पनगाह शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होते हैं कंचन पर कभी न सोते हैं, बसता बहुत ही पहाड़ों में शैलों की फटी दरार है। अब क्या कहते हैं कि प्रसादों के कनका शिखर यानी कि महल के सुनहरे शिखर पर किसके स्थान होते हैं तो कबूतरों के घर भी होते हैं, होते कबूतरों के घर ही महलों में गरुड़ न सो होता है कंचन पर कभी न सोता है यानी कि जो गरुड़ पक्षी है वो क्या है क्योंकि कभी महलों में वो नहीं रहते हैं, वो सोने के बिछाने पर नहीं सोते हैं, तो वो कहाँ पर रहते हैं, वो अभी कर्ण जो है वो खुद का परिचय वो खुद को गरुड़ के जैसा बताते हैं कि मैं गरुड़ पक्षी जैसा हूँ, मुझे ये प्रलोभन दे मुझे महल में नहीं रहना है और महलों के सुख भोग नहीं भोगना है, पर मैं गरुड़ पक्षी जैसा हूँ जो कभी कंचन यानी कि सोने के बिछौने पर नहीं सोता, बसता है कहीं पहाड़ों में यानी गरुड़ पक्षी है क्या तो वे पहाड़ों पर रहे थे, शैल की फटी दरारों में, शैलों में पर्वत की फटी दरारों में जे दरारों में मोटी वाली एमा एनु बर्फ पड़ी है, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षी सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज धर नर विभव हेतु लल जाता पर वही मनोज को खाता है। आगे क्या बताते हैं वो क्वेश्चन को कहते हैं कि होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता तप यानी प्रभावहीन हो जाता है, मनुष्य ये सब सारे वैभव विलास पाकर और कुछ नहीं पा सकता, ये सब सुख वो थोड़े दिनों के लिए होते हैं बाद में वो मनुष्य को प्रभावहीन बना देते हैं। सत्ता राजपाट सत्ता के बीच मणिमय आसन यानी सुखासन जैसे शांति और आसन करते मनुष्य का तेज हरण यानी तेज ने नष्ट करे ना कहते बड़ी वस्तु राजपाट सुख समृद्धि या भोग विलास व्यक्ति ने तेज रहीन करे ना कहते नर विभव हेतु ललचाता यानी मनुष्य के वैभव हेतु वैभव विलास माटे लल जाए पर वह मनुष्य को खा जाते हैं, वो क्या करते हैं वैभव विलास की चाह मनुष्य राखे छे पर ये वैभव विलास छे व्यक्ति नु तप क्षीण करी नाखे छे अने ये मनुष्य ने खाई जाए छे। चांदनी पुष्प छाया में पर नर गले बने समुद्र कोमल पर अमृत कलिशा पिए बिना आतक अघंड में छिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता विघ्नों को नहीं भुला सकता यानी कि ये सब को चाह जिज्ञा राजपाट महल सुख हो पाप है मनुष्य जो है वो एकदम सुकुमार बन जाता है पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतक अघंड में जिए बिना यानी कि कुछ दुख भोगे बिना वो पुरुष नहीं कहला सकता वह पुरुष नहीं कहला सकता विघ्नों को नहीं मिला सकता यानी कि जीवन में जो विघ्न आते हैं वो सुख में रहने वाले उसका सामना नहीं कर सकते। उड़ते जो झंझा बातों में पीते जो बारी प्रपातों में सारा आकाश अयम जिनका विषधर भुजन भोजन जिनका वे ही पणे बंध छुड़ाते हैं धरती का हृदय जोड़ाते हैं। उड़ते जो झंझावातों में यानी चक्रवात में जो उड़ते हैं यानी श्री कृष्ण को कर्ण बताते हैं वो कैसे है तो गरुड़ पक्षी की तरह है एकदम स्ट्रॉन्ग मजबूत है वो। उड़ते जो झंझावातों में यानी चक्रवात में जो उड़ते हैं सीते जो वाल यानी पानी प्रपात झरना में जलों के पानी पीते हैं सारा आकाश अयन जिनका यानी कि आपको आकाश जनो घर से विषधर भुजन भुजन माने सा भोजन जिनका यानी विषधर भुजन यानी विषेला सांप जनो भोजन छे एवा जो व्यक्ति जो छे पणी बंध छुड़ाते हैं यानी नाग पाश में भी छुड़ाने सके छे धरती का हृदय जुड़ाते है यानी कि आवा व्यक्ति जो छे
ચક્રવાતાઓ વાદળ ઝંઝાવાતોથી જે લડે છે અને જે ઝરણાનું પાણી પીવે છે અને જેનું સમગ્ર આકાશ છે જે જેનું ઘર રહેલું છે અને વિષયના સાપ ભુજંગી અને સાપ જે એનું ભોજન છે એવા વ્યક્તિ જ નાગ પાસમાંથી છોડાવી શકે છે. મેં ગરુડ કૃષ્ણ મેં પક્ષીરાજ સિર પર ન ચાહીએ મુજે તાજ દુર્યોધન પર હૈ વિપદ ઘોર સકતા ન કિસી વિષ ઉસે છો રણખેત પાટના હૈ મુજકો આહી પાશ કાટના હૈ મુજકો. શું કે છે હવે પોતાની જાતને છલી પંક્તિમાં બતાવી દે છે સ્પષ્ટ રૂપે વર્ણ કે હું ગહે કેશવ ગરુડ પક્ષી સમાન હું છું સિર પર નહીં ચાહીએ મુજે તાજ મુજે તાજ જો હૈ યે વૈભવ વિલાસ कुछ भी मुझे महल प्रसादों में जीना और वैभव मिला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. दुर्योधन पर है विपद घोर यानी जो मेरे सखा है मित्र दुर्योधन जिसने मेरा हमेशा से साथ दिया उस पर विपत्ति आ गई है तो सत्ता ने किसी भिक्षु से छोड़ तो यानी कि आप मुझे जो कोई भी प्रलोभन दे उसके वशीभूत होके मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता. દુર્યોધન કે પરમ મિત્ર હે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે મિત્ર એવો શોધવો જે ડાળ સરીખો હોય સુખમાં પાછળ પડી રહે ને દુઃખમાં આવો હોય. તો કર્ણ છે અહીંયા એવા જ મિત્ર છે એવા મિત્રતાના પરિચયમાં છે કે દુર્યોધન જેને જીવન પર્યંત પોતાનો સાથ આપેલો છે એટલે એને કોઈ પણ રીતે છોડવા માંગતા નથી એટલે દુર્યોધનનો જ હું સાથ આપી શકું. મને કૃષ્ણ છે એ ઘણા બધા પ્રલોભન એને પાંડવોનો યુદ્ધભૂમિમાં સાથ આપવા માટે આપે છે પરંતુ એ સ્પષ્ટપણે ના પાડી દે છે કે હું મારા મિત્ર મારા પરમ મિત્ર સખાનો જ સાથ આપીશ અને એના પર જે આ ઘોર વિપત્તિ આવી ગઈ છે એમાંથી એને છોડાવી છે એની મદદરૂપ થઈ છે. એટલે કે છે મેં ગરુડ કૃષ્ણ મેં પક્ષી રાજ સિર પર ન ચાહી છે મુજે તાજ દુર્યોધન પર હૈ વિપદ ઘોર સકતા ન કિસી વિષ ઉસે છોડ રણખેત પાટના હૈ મુજકો અહી પાશ કાટના હૈ મુજકો યાની કે દુર્યોધન કી મદદ કરકે મુજે ઉસે યુદ્ધ ભૂમિ મે ઉસકા સાથ ઉસી કા દેના હૈ વો મેરે પરમ મિત્ર હૈ યાની કે કર્ણ એ અચ્છે મિત્ર ભી હૈ. તો યહાં ભી યે સુંદર સા જો આગ્ય હૈ હમારા યે પૂરા હોતા હૈ બહોત હી સુંદર હૈ જિસમે કર્ણ કે પૂરે વ્યક્તિત્વ કે બારે મે હમે બતાયા ગયા હૈ. और यहाँ पे जो शब्दार्थ है वो थोड़े हम देख लेते हैं. चलिए वैभव यानी धन दौलत विलास यानी सुखोपभोग चाह माने मन इच्छा भी बोल सकते हो और इच्छा अभिलाषा परवाह यानी चिंता व्यग्रता निर्म यानी पवित्र शुद्ध कर्तव्य यानी मथेरी निर्धन धन रहित जो है वो कंगाल दरिद्र गरीब जिसे हम बोलते हैं गुजराती में विभव मानी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रभुत्व यानी अधिक प्रचुर अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा अत्यल्प हास यहाँ पे कार्य में आया ना ये सब सारे हो गए अत्यल्प हास यानी बहुत थोड़ा कम थोड़े दिनों के लिए हास यानी निंदा उपहास क्या यानी चमक चटाचौंध कंचन यानी सुवर्ण सोना प्रसाद यानी देवताओं या राजाओं का जो घर होगा ना यानी कि महल भी उसे हम बोल सकते हैं. कनका स्वर्ण आहा वाले शैल माने पर्वत पहाड़ चट्टान माने दरा माने दरज तपक्षीण यानी निर्बल किरीट माने मुकुट तेज माने प्रभाव कोमल माने मृदु क्लेश माने दुख वेदना अमृत माने भुक्ति आतक माने दुख अघंड तो आंधी झंझावात यानी वर्षा सहित तीव्र आंधी वाल माने जल पानी प्रपात माने पहाड़ का चट्टान का हिस्सा और अयन यानी गति और विष यानी गरल भुजंग माने सर्प जो सांप जैसे हम बोलते विपद आपत्ति संकट घोर यानी भयंकर दुर्योधन पर घोर विपद आन पड़ी है तो घोर माने भयंकर विकराल पाटना यानी ढेर लगा देना अहिपा यानी सांप का जो बंधन होता है
हमने जो लिखे हैं जो दान के शब्द उसे जरा देख लेते हैं, निर्मल तो मलिन प्रभुत्व कम और कोमल तो कठोर तुच्छ यानी महान विरुद्धार्थी शब्द है, बिखेरता तो कठोर है, निर्धन तो सन्नि धनवान शिखर तो तलहटी फिर गुजराती तलहटी में अमृत तो विष जय अल्प तो अधिक अभी यहाँ पर ले आया जी है विलास तो सुखो सुखो तुच्छ तो क्षुद्र दरज तो दरार शिखर तो छोटी जो टोल चक्र है जो पर्वत नहीं तो वारे तो पानी जल शेर तो कट्टा कोमल तो मृदु मृदुभाषी कहने गई है कोमल जेनी वाणी में मृदुभाषी बनते हैं आता कुदु करता तो हथेली प्रचुर तो प्रभु ने प्राता कहने राज आंधी अभन विष तो गरल और अयन तो गमन बुजुर्ग यानी शाहता। तो यहाँ पे हमारा जो ये सुंदर सा काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन ये यहाँ पे पूरा होता है और स्वाध्याय आपको जो है वो लिख के मुझे भेजना होगा और अगले पीरियड में हम फिर से मिलेंगे। यहाँ पे ये काव्य खत्म होता है और नेक्स्ट पीरियड में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।